गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ नोएडा में और आज मैं जा रहा हूँ नोएडा से हरिद्वार और फिर देहरादून और ऋषिकेश। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोएडा से हरिद्वार तक का मोटर ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ अपनी बाइक पर और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। अब यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे होते हुए। चलिए अपनी बाइक लेके चलते हैं। अभी लगाते हैं अपना हेलमेट और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। यहाँ से ये इंद्रपुरम वाला कट लेने के बाद हम सीधे चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और वहाँ से सिर्फ सीधे सीधे चलते रहो। सबसे पहले मेरठ और फिर मेरठ के बाद मेरठ बाईपास और फिर मुजफ्फरनगर, ऐसे करके हम पहुँचेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड यहाँ पे कैसी बनी हुई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रोड का हाल है। जाते हैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो आगे जाके धूप निकल जाएगी। इसलिए सुबह में जल्दी निकल गया कि दिन में धूप होती है तो बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अभी बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना रास्ता कवर कर लेते हैं, फिर जाके हरिद्वार में आराम से धूप में देखेंगे, कहीं बैठेंगे, जो भी होगा। लेकिन रोड पर धूप में गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। अब जल्दी बिना धूप के निकल जाते हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। चलिए चलते रहते हैं, अब थोड़ा सा राइड के एंजॉय लीजिए सिनेमैटिक तरीके। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर की गाड़ी के लिए, लेकिन बाइक के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है। फिर भी मैं 90-80 चल रहा हूँ आराम से, 80 स्पीड पर या 90 की स्पीड पर आराम से चलते रहो। बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, 5:30-6 बजने वाले होंगे अभी। और फिलहाल मैं गाजियाबाद पहुँच चुका हूँ नोएडा से चल के। अब यहाँ से बिल्कुल हरा हरा रोड आने वाला है, यहाँ तो थोड़ी सी बिल्डिंग्स दिख भी रही है, आगे जाके बिल्कुल बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल प्लेन रोड आ जाएगा। तो यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए एग्जिट होता है और अगर हम सीधे निकल जाते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंट्री हो चुकी है हमारी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा मिलता है माहौल। तो अभी मैं थोड़ा बाहर चल के आ चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से हरिद्वार है 130 किलोमीटर और मेरठ है 39 किलोमीटर। तभी मैं रास्ते में रुका हुआ था, मेरे पता नहीं यहाँ पे किसी कीड़े ने काट लिया तो इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी। अब दोबारा यहाँ से चलते हैं, 180 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार और 39 किलोमीटर मेरठ। तो अभी मेरठ जाके मिलते हैं, तब तक आप एक दो सिनेमेटिक का मजा लीजिए। और बहुत बहुत अच्छा सनराइज हो रहा है, तो मैं आपको सनराइज का टाइम लैप्स दिखाता हूँ। चलते हैं, ये बाइक है, अपनी जैकेट पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं, फिर चलते हैं। अब तब मैं आपको कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। मेरठ बचा यहाँ से 18 किलोमीटर और मुझे पता कर 74। तो एक घंटा चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं मेरठ। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का और मेरठ का टोल प्लाजा। और बाइक पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैंने इस टोल प्लाजा पर 150 रुपये अभी तक बचा चुका हूं। अगर गाड़ी जाते हैं तो 150 रुपये का टोल है इस पर और बाइक पे कोई टोल नहीं है, तो 150 रुपये यहाँ बच गए। अब देखते हैं, निकलते हैं, देखो कितनी लाइन लग रही है। ये सबसे बड़ा टोल प्लाजा है इस रूट पर। इसके बाद मेरठ को क्रॉस करने के बाद दूसरा आएगा, 90 रुपये का टोल उस पर और 150 रुपये का इस पर है, तो 210 रुपये का तो टोल ही बच जाएगा हमारा बाइक पर आने के लिए। बाइक लाइन देखते हैं, बाइक लाइन सबसे लेफ्ट में होगी। तो ये हमारा टोल बच चुका है 150 रुपये का।
पे। अब यहाँ से मेरठ का बाईपास क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरनगर वाला रोड आएगा, तो अभी चलते हैं मेरठ का बाईपास क्रॉस करते हैं और मुजफ्फरनगर जाके कुछ खाएंगे अपने पुराने वाले ठीके पे। तो अभी आप रोड का एंजॉय लो और चलते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो मोदी नगर होते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे और सीधे मेरठ और हरिद्वार के लिए रास्ता जा रहा है। थैंक यू, विजिट अगेन। तो अभी मैं उस भारतीय यूनिवर्सिटी के सामने और एक घंटा चलने के बाद बाइक में आ गई है पेट्रोल की लाइट। तो अब यहाँ से भरवाएंगे पेट्रोल और फिर आगे चलेंगे। पूरा दो दिन का हमारा काम हो जाएगा, एक ही बार टैंक फुल करवा लेंगे। तो ये आगे सामने पेट्रोल पंप, तो चलिए चलते हैं उसमें पेट्रोल भरवाते हैं। और नो, आगे निकल गया मैं तो। यहाँ से मैंने भरवा लिया पेट्रोल, 800 रुपये में टंकी फुल हो गई। अब दो दिन का काम बढ़िया होगा, अब पूरे दो दिन कोई टेंशन नहीं है, कितनी दूर जाओ कितनी दूर आओ, देखते हैं कब तक चलेगा। 310 पेज का रिजर्व चला था, अब देखते हैं 800 रुपये के पेट्रोल में ये कितनी चलेगी। तो वापस से आ गए मैं मेरठ बाईपास पे और वापस चलते हैं अपने हरिद्वार की तरफ। यहाँ पे आपको लौंडे भागते हुए दिख जाएंगे रोड पे, बहुत सारे जो ये पुलिस भर्ती की आर्मी भर्ती की तैयारी करते रहते हैं। ये सफर मंजिलों की ना है। ने क्रॉस कर लिया मेरठ बाईपास, अब हम दूसरे टोल पे आने वाले हैं जो मेरठ निकल के टोल आता है। यहाँ भी पूरी भीड़ हो रही है, बस वाले सवारी बैठा रहे हैं। तो फाइनली 2:30 बजे निकल के 6:30 पे हम पहुँच चुके हैं मेरठ क्रॉस करके जो दूसरा टोल आता है। और अभी टोल क्रॉस करेंगे टोल नंबर 2 और सैटरडे संडे को वीकेंड पे लोगों को जाने वाले के लिए यहाँ पे जाम, और सैटरडे संडे पे यहाँ है जाम क्योंकि वीकेंड पे हर कोई जा रहा है हिल स्टेशन पे घूमने। तो बाइक पाने का फ़ायदा नंबर 2 जाम से बचे, फ़ायदा नंबर 3 टोल से बचे, और फ़ायदा नंबर 4 यहाँ से निकाल लिए बोर्ड के नीचे से, फायदे ही फायदे आज बाइक को आने के। इतना जाम लगा हुआ है, कम से कम 1 किलोमीटर तक पीछे तक, जहाँ पे टोल 1 किलोमीटर है वहाँ तक का जाम है ये। बाइक को आने के फायदे ही फायदे, गलत फंस गया यार, साइड वाली लाइन में लेना पड़ेगा। ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। वो नहीं तो लेफ्ट वाली लाइन चाहिए बाइक की, लेकिन लेफ्ट में जाने के लिए जगह ही नहीं है। फाइनली जगह बनी तो ट्रक आ गया, अब ट्रक के साइड में से निकले तो वैन आ गई और यहाँ से निकलने की जगह नहीं, इसी के साथ साथ निकलना पड़ेगा। बस ट्रैक निकलती है अपनी बाइक वाली लाइन क्लियर, और इतना सारा 1 किलोमीटर का टोल बचा। ₹90 का टोल, 1 घंटे का जाम, क्या क्या बचेगा बाइक पर आने के बाद।
साइड से निकल जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल खाली लाइन पड़ी है। गाड़ी में आओगे तो कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ेगा टोल पे। मस्त अपना साइड से निकल गए और ये टोल नंबर 2 भी क्रॉस। अब चलते हैं सीधे मेरठ मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे, जो बिल्कुल ग्रीन हाईवे। बस में बैठ के भी जा सकते हैं, बस वाला भी रूट भी बहुत सस्ता है, 300-400 रुपये की टिकट होगी बस की हरिद्वार तक की। लेकिन हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक से भी बढ़िया है। आज वीकेंड है तो सब जा रहे हैं हिल स्टेशन पे घूमने, इसीलिए इतना जाम है। तो वीडियो लंबी हो गई है, अभी ये वाला सीन करते हैं कट और हम साफ से मिलते हैं आगे हाईवे पर, खाली सड़क पर जाते हैं। जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर। तो यहाँ पर ये भूस का भरा हुआ ट्रक पलट गया रास्ते में, यहाँ भूस उड़ रहा है बहुत बुरा, आंखों में जा रहा है वो। तो मेरा हेलमेट है तो आंखों में नहीं जा रहा है। मैं पहुंचे हूँ कतौली बाईपास, तो कतौली बाईपास क्रॉस करते ही मुँह आएगा मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में रुक के कुछ खाएंगे, खाने का ब्रेक लेंगे और फिर आगे निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो अभी चलते हैं कहीं खाने के लिए, रुकते हैं अपने पुराने ठीक में। ये रोड है बहुत हरी भरी, आसपास खेत ही खेत मिलेंगे आपको। बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतनी धूप निकल रही है, इतनी धूप निकलने के बाद भी गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल, इतने बढ़िया मौसम है यहाँ पे। ये ग्रीनरी का फर्क है, आसपास इतनी ग्रीनरी है इस रोड पे। अब पूरी हरिद्वार तक ऐसी ही है, हरिद्वार इसी के इसमें जाके ख़त्म होगी, पूरी आगे तक ऐसी ग्रीनरी है इस रोड पे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मुजफ्फरनगर में। अब यहाँ पे कुछ नाश्ता करेंगे, खाएंगे। अभी रुकता हूँ मैं हल्दीराम पे या मैकडोनल्ड्स पे। अब रास्ते में जितने छोटे बड़े रेस्टोरेंट आए हैं सब पूरे फुल चल रहे हैं, आज पूरा सैटरडे के चक्कर में हर कोई आ रहा है। तो अभी देखते हैं कहाँ जगह मिलती है, क्या खाते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैकडोनल्ड्स तो बंद है। पार्किंग भी बंद है मैकडोनल्ड्स तो, हल्दीराम बंद हो गया, मैकडोनल्ड्स तो चल रहा है। सामने पता नहीं कहाँ बता रहे पर। नमस्ते द्वार, यहाँ पार्किंग है क्या? तो यहाँ अपनी बाइक लगा देते हैं साइड में, अब चलते हैं। तो टाइम हो गया सुबह के 7:30, तो मैं पहुँच चुका हूँ मुजफ्फरनगर। अभी मैं रुकूँ खाने के लिए, ये है मैकडोनल्ड्स मुजफ्फरनगर का। अब यहाँ पे कुछ खाने को लेते हैं और फिर खा के और फिर आगे के लिए निकलते हैं। बर्गर, फ्राइज और कोल्ड कॉफ़ी, अब इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलते हैं वापस, अपना खाना खाने के बाद अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो फॉर हरिद्वार राइड अगेन। अभी यहाँ से दिखा रहा है 2 घंटे का रास्ता हरिद्वार का, 1.5 या 2 घंटा लगेगा मुझे हरिद्वार तक जाने में। तो रोड तो बहुत अच्छी है हरिद्वार तक ही। तो अब चलते हैं आगे, आगे एक और टोल पड़ेगा, एक नहीं 2-3 पड़ेंगे। तो यहाँ से चल के टोल पे मिलते हैं आपको, टोल का सिचुएशन देखते हैं कैसी है। तो लेट्स गो। अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर के बाईपास पर, आज रोड पर इतनी भीड़ है, आज सैटरडे की वजह से सारी जनता पता नहीं पहाड़ों की तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, भीड़ भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, टोल पे भी, कहीं ढाबे पे भी, छोटे मोटे जितने भी ढाबे हैं सब पे लाइन लगी पड़ी है। और टोल पे तो जाम मिलेगा, अगर मुझे बनाकर का बाय
बाईपास क्रॉस करने के बाद एक टोल आएगा, उस पर जाके मिलते, देखना उसको भी जाम ही मिलेगा। तो फाइनली मुजफ्फरनगर का बाईपास क्रॉस कर लिया, यहाँ से 76 किलोमीटर बचा है हरिद्वार। अभी चलते 76 किलोमीटर हो, अभी हम 200 नहीं 150 किलोमीटर चल गए, 70 से शोर हो जाए चलते आगे। ये यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जो रेलवे का, उसके लिए रोड क्लोज कर रखी है एक साइड भी। अभी हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा नंबर 3। सुबह से चले थे टोल प्लाजा 3। पहला टोल लगा हमारा 150 रुपये का, जो हमने बच गया बाइक की वजह से। दूसरे 90 रुपये का टोल बचाया हमने बाइक से, और हम तीसरा टोल बचाएंगे 95 रुपीज़ का बाइक की वजह से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विशिंग यू अ प्लीजेंट एंड सेफ जर्नी। टोल रोड स्टार्ट नेशनल हाईवे 334। हरिद्वार 72, केदारनाथ 300 किलोमीटर। टोल प्लाजा नंबर 3। सुबह से चले थे हम, पहला टोल हमारा कटा है 150 रुपये, मतलब हमारा नहीं कटा है, हमने बाइक की वजह से बचा लिया है, तो बाइक का फ़ायदा नंबर 3। तीसरा टोल बचेगा आपका 90 रुपये का। तो सुबह से 150 का एक टोल बचा है हमारा, और 90 रुपये का एक टोल बचा है, और ये बच गया 95 रुपीज़ का एक और टोल। तो साइड के निकल जाओ, टोल देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाइक पे आने का फ़ायदा। टाइम का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टोल नहीं लगता है आपका। अब रटपट जहाँ के हरिद्वार बचा 65 या 70 किलोमीटर के अराउंड, तो अभी चलते नॉन स्टॉप हरिद्वार की तरफ। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। जैसे हरिद्वार में एंटर हुए, सबसे बड़ी दिक्कत बाइक पर आने की। अब तक तो मैं बाइक पर आने के फ़ायदे गिनवा रहा था, अब है बाइक पर आने की दिक्कत शुरू हो गई। बारिश आ गई और मैं भीगना शुरू हो गया हूँ, पता नहीं जैकेट वाटरप्रूफ है कि नहीं है। अभी कहीं रुकने की जगह देख के जल्दी से रुकता हूँ कहीं साइड में। बारिश आ गई, पता नहीं कितनी देर तक बारिश आएगी। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। और बारिश के साथ आपका स्वागत होता है देवभूमि उत्तराखंड में। कहीं रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी बड़ी जल्दी, एकदम बहुत तेज बारिश आ गई है। कोई ढाबा भी नहीं आस पास यहाँ, तो यार मैंने आज गलती कर दी, मेरे पास एक रेनकोट था वो लेके नहीं आया। अब यहाँ पे बहुत सारे ढाबे
यहाँ पे हैं तो यहाँ कहीं रुकता हूँ। पहले यहाँ पे कोविड टेस्ट होता था, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस चेक करेगी बस आपको, यहाँ पे कैमरा मैंने ऑन कर रखा है, कोई चेक करे तो कर दो। ये उत्तराखंड का बॉर्डर स्टार्ट होता हुआ, चार धाम की यात्रा यहीं से शुरू है। फाइनली बॉर्डर क्रॉस, किसी ने कुछ नहीं रोका। अभी बारिश धीरे हो गई एकदम, अगर बारिश तेज हुई तो कहीं रुक जाऊंगा, नहीं तो हल्की बारिश में चलता रहूंगा, देखते हैं कहां तक काम चलता है बारिश में। ज़्यादा तेज़ होगी तो एकदम रुक जाऊंगा कहीं। और उत्तराखंड में एंटर होते यहां लेफ्ट में है शराब की दुकान, अगर आपको बियर लेनी हो तो कुछ भी ले सकते हैं, बियर ज़रूरी नहीं है। बॉर्डर क्रॉस करते ही लेफ्ट में ठेका, और अब चल रहे हैं हरिद्वार की तरफ। बारिश हो गई थोड़ी सी कम, तो चलते हैं। मंजिलों की न है कोई खबर। तो अभी मैं हूँ रुड़की बाईपास पे। रुड़की के अगर आपको अंदर जाना है तो लेफ्ट में लेना होता है, लेकिन रुड़की बाईपास से निकल जाएंगे तो सीधा जल्दी पहुँच जाएंगे हरिद्वार। तो ये बहुत अच्छा बाईपास बन गया, सीधे हरिद्वार निकलता है। और रोड बिल्कुल मक्खनमला, ये दिल्ली से रुड़की हरिद्वार जहाँ तक भी आप जा रहे हो ऋषिकेश तक, तो बिल्कुल मक्खनमला ही रोड मिलेगी आपको। ऋषिकेश के बाद जाके थोड़ी हिली रोड शुरू हो जाती है, लेकिन जब से मैं चल रहा हूँ बिल्कुल ऐसी मस्त रोड आ रही है, मज़ा आ रहा है। चलते रहते देखते क्या होता है। रास्ते में भीड़ इतनी है कि लोग गाड़ियों की लाइन लगा के चल रहे, इतनी भीड़ है। अब जाके कुछ खाली हुआ है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। हरिद्वार अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, अब 30 किलोमीटर जाने में देखना के टाइम लग जाएगा, आधा घंटा कम से कम। चल रहे हैं अपना जल्दी जल्दी पहुँचते हैं हरिद्वार। लग रहा है कोई नहर है, नहर का पुल है, लेकिन आसपास इतनी दूर दूर तक गिरी नहीं है, मज़ा आ रहा है। और सामने थोड़े थोड़े से पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में घुसने के बाद दिखेंगे अच्छे से तो, लेकिन बहुत दूर दिख रहे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे। अभी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं हम, 25 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, ये मेरे लेफ्ट में है पतंजलि योग पीठ। और अभी हरिद्वार हर की पौड़ी आने वाला है, मतलब पहुंच तो गया हूँ मैं हरिद्वार, लेकिन अभी मेन हरिद्वार दूर है जहाँ गंगा जी है। ये है पतंजलि आयुर्वेद संस्थान, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। तो अब यहाँ से चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। रोड बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। और फिर से आ गया टोल प्लाजा नंबर 4। तो अभी हम 4th टोल पे हैं, जब से हम दिल्ली से चले हैं। हर इस टोल से भी जाम है, तो बाइक पाने का फ़ायदा नंबर 4। आधे आधा आधा 2 घंटे के आप जाम से बचोगे, और 95 120 रुपये का नहीं, 95 रुपये का टोल इस पर बचेगा। तो कुल मिला के आपका 400 रुपये के आसपास का टोल बच जाएगा, और 2 घंटे बच जाएंगे आपके। हर टोल पे जाम है 1 किलोमीटर लंबा, अब इससे बच के निकलना पड़ेगा कैसे ना कैसे। पूरा टोल प्लाजा 500 मीटर दूर है अभी भी, लेकिन जाम जाम भरा पड़ा है। बाइक पे आने के 4 फायदे बता दिए मैंने, और 5वां फायदा है पेट्रोल कम फूकता है। टोल मुझे लग रहा है हरिद्वार में एंट्री के बाद है, मतलब जब हरिद्वार में आप घुस जाओगे पतंजलि योग पीठ क्रॉस करने के बाद। और यहाँ भी 95 रुपीज़ का टोल है, तो 95 95 95 और 150 टोटल हो गए 450 रुपये के आसपास का टोल बचेगा आपका, अगर आप बाइक से आते हैं तो। अब साइड से गचागच निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी वाले इतने बेवकूफ़ हैं, यहाँ भी फंसा रखी है गाड़ी, लड़ रहे हैं ऊपर से। तो चलिए
टोल नंबर 4 भी क्रॉस हुआ और एंट्री हो गई है हमारी हरिद्वार के अंदर। अब यहाँ से हरकी पौड़ी 10-15 किलोमीटर बचा है, हरकी पौड़ी पहुँचते हैं और इस वीडियो को हरकी पौड़ी पहुँच के ख़त्म करेंगे। BHEL आ गया लेफ्ट में हमारे बहादराबाद BHEL, और यहाँ से देहरादून बचा अभी 68 किलोमीटर। तो शाम को मुझे जाना है देहरादून हरिद्वार घूम फिर के, तो अभी पहले हरिद्वार चलते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, हरिद्वार जाके मिलते हैं। ये लेफ्ट में है बहादराबाद का रास्ता और BHEL यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और सामने जा रहा है हरिद्वार का रास्ता। हमें जाना है हरिद्वार, चलिए चलते हैं। मस्त रोड शुरू हो गई फिर से, भगाओ। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियां। पहुंच चुका हूं अभी हरिद्वार में और ये कुछ मेरे साइड में दिख रही है गंगा नदी, सामने जाके हरकी पौड़ी आएगी। फिलहाल हम चल चुके हैं 200 किलोमीटर, घर से सुबह 5 बजे निकला था, अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम देखना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे और मैं निकला था 5 बजे, तो 4.5 घंटे लग गए मुझे नोएडा से हरिद्वार आने में। तो अब चलते हैं आगे और आगे जाके देखते हैं हरकी पौड़ी के पास, चलते हैं पहले और हरकी पौड़ी दिखाता हूँ आपको मैं हरिद्वार में। तो यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के लेफ्ट में रोड जा रहा है, तो मुझे भी पहले रेलवे स्टेशन की तरफ ही जाना है, तो लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ से मैं और चलते हैं आगे की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हरकी पौड़ी पे, ये मेरे सामने है हरकी पौड़ी और मैं क्रॉस कर रहा हूँ रेलवे का पुल, रेलवे का नहीं मतलब गंगा जी का पुल क्रॉस कर रहा हूँ। इधर इधर ही हरकी पौड़ी है, अब चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पे और इस वीडियो को करते ख़त्म। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हरिद्वार नोएडा से चलने के बाद, सुबह निकला था मैं 5:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो मुझे बहुत टाइम लग गया आने में यहाँ से। बीच में मैं आधा घंटा रुका भी, लेकिन ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको बाइक की वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। था बस था वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल डकर न कर अगर मगर।